मुझे ना सबसे पहले सॉरी, किसी को ऑफेंड नहीं करना, बट मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैच शुरू होने से पहले ये बाहर हग के नहीं आते, ये ग्राउंड पे क्यों हगने लगते हैं? इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैंने ऑफिस से ना एप्लीकेशन देकर एक हफ्ते पहले मतलब छुट्टी लेके रखी थी, जब से ये मैच का डेट डिसाइड हुआ था और टीम्स डिसाइड हुए थे। इसके बाद ना मुझे कोई एसेंशियल लीव चाहिए होगी ना, तो वो भी नहीं मिलेगी। इनके वजह से पता नहीं मैंने क्यों लीव ले ली। ये आईपीएल टीम जब होती है, मैचेस होती है, तब तो ये परफॉर्म कर जाते हैं। जब कंट्री के लिए खेलना होता है तब आके ग्राउंड में साला हक देते हैं। ये जब रोहित शर्मा होता है, टीम का कैप्टन बना, ये सिर्फ रोने के लिए बना है। साला जब हारेगा तब इतनी एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग कि पता नहीं इतना दुखी हो गया है। और जब खेलने का टाइम आता है तब तो अपनी शक्ल लेके आ जाता है, परफॉर्म ही नहीं करता है ये पता नहीं किस एंगल से इसको कैप्टन बना दिया है। और सही है, ये साले जितने पाकिस्तानी हम पे हंस रहे हैं ना, बढ़िया है, हम इसी लायक है। ये क्या खेली है टीम इंडिया? ये तो बांग्लादेश से भी उस दिन ये हारते हारते बचे, वो तो बारिश हो गई है। इनकी बॉलिंग देखी थी, बांग्लादेश ने पैंट उतार के मारना शुरू कर दिया था अपने टीम इंडियंस को बॉलिंग के टाइम पे, अपनी बैटिंग के टाइम पे, सॉरी। वो तो बारिश हो गई, उसके बाद ओवर्स कम हो गए तो जीत गए, किसी तरह से इज्जत बचा ली। अब मुझे इसके आगे कुछ बोलना नहीं है। आइंदा से ना मैंने तो मतलब सीरियसली, या तो इनके पैसे काटो इनको, या तो सबको ही मिलकर बॉयकॉट करो, जैसे बॉलीवुड वाले को कर रहे हैं ना, इनको भी काटो। मतलब इनका भी मतलब पैसा काटो, इनका ना एडवर्टाइजमेंट काटो, इनको टीवी पे मत लाओ, इनको इनके पासपोर्ट्स ले लो भाई, इनको कहीं पे जाके किसी ना आइलैंड में छोड़ के आ जाओ। जब तक ये खेलना नहीं सीखेंगे ना, इनको घुसने ही मत दो यहाँ पर। हमारे चूहा काट रखा है, खेलना आता है तो बस हमारे फैंस की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, नचा के रख दिया हम लोगों को, भर भर के इनको पैसे मिलते हैं। हम क्यों अपने पैसे काटे भाई, अपने पैसे खर्च करके टिकट लिए, हम क्यों अपनी लीव खर्च करें इनके वजह से? हद मचा के रख दी यार, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इनको शर्म भी नहीं आती।